हेलो एवरीवन, आप सबके लिए 21 दिसंबर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप देखने वाले हैं द ग्रेट कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। साधारण भाषा में समझे तो जुपिटर मतलब बृहस्पति और सैटर्न मतलब शनि, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा और एक सिंगल स्टार की तरह दिखेगा, लेकिन असलियत में दोनों एक दूसरे से 735 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। आज के वीडियो में इस घटना को समझेंगे, उसके साथ आपको इस घटना को कैसे देखना है उस पर भी बात करूंगा ताकि आप इस घटना की साक्षी बने। आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस पूरे घटना को समझने से पहले जुपिटर और सैटर्न के बारे में कुछ जान लेते हैं। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य से पांचवें नंबर पे है। यह इतना बड़ा है कि सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह इसके अंदर फिट हो सकते हैं। यह मुख्य रूप से गैसों से बना हुआ है, इसलिए इसे गैस जायंट भी कहा जाता है। वहीं सैटर्न यानी शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से छठा नंबर पे है। यह भी गैसों से बना हुआ ग्रह है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। सोमवार 21 दिसंबर की रात जुपिटर और सैटर्न आपको दिखेगा एक दूसरे के ऊपर और वह आकाश में एक चमकीले धब्बे ऐसा दिखेगा। पिछली बार इन दोनों ग्रहों को 16 जुलाई 1623 को एक दूसरे के इतना करीब देखा गया था। उस समय यानी 397 साल पहले ये दोनों ग्रह आर्क के 5 मिनट 10 सेकंड की दूरी पे थे, कंपेयर टू 6 मिनट 6 सेकंड आर्क डिस्टेंस जो अब है। इससे पहले यह घटना मेडिवियल टाइम में 1226 में देखा गया था। अगली बार ये दोनों 15 मार्च 2080 को करीब आएंगे। नासा के प्लेनेटरी साइंस डिवीजन में काम करने वाले एस्ट्रोनॉमर हेनरी ट्रूप ने कहा कि इस तरह का कंजक्शन साल में किसी भी दिन हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह अपनी कक्षाओं में कहां पे, जुपिटर सैटर्न और अर्थ जो सन को ऑर्बिट करते रहता है उसका पोजीशन को कैलकुलेट करके कंजक्शन का डेट निर्धारित होता है। वहीं सोल्स्टिस का डेट डिटरमाइन होता है अर्थ का एक्सिस कितना टिल्ट हुआ है उस पे। विंटर सोल्स्टिस जो कल होगा, जिसका मतलब है कल का दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ा। चलिए अब जानते हैं कैसे आप इसे देख सकते हैं। इस घटना का गवाह बनने के लिए किसी को विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह नेकेड आई से भी दिखाई देगा। आपको बस सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करनी है। उसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास ज्यादा लाइट ना हो। नासा के हिसाब से सैटर्न थोड़ा फेंट दिखाई देगा जैसे ही वो जुपिटर के ऊपर आएगा। 21 दिसंबर के बाद यह स्थिति पूरा उलट हो जाएगा। घटना के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको दूरबीन का आवश्यकता होगा। इससे आपको ना सिर्फ घटना का बेहतर दृश्य दिखाई देगा, उसके साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा कैसे चार मून जुपिटर को ऑर्बिट कर रहे हैं। अगर आपको और भी अच्छे से देखना और समझना हो तो आप नासा का लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।